हेलो गाइस, अगर आपको भी सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश है तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय बाजार में कई सेगमेंट की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम सबसे सस्ती पांच ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे जो मात्र 50,000 रुपए के अंदर आती हैं। एवलेट डर्बी इलेक्ट्रिक स्कूटर। एवलेट डर्बी में इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है जो 250 W की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो दोनों टायरों को सही पावर देता है। बेहतरीन लुक में आने वाली इस गाड़ी को आप 46,000 रुपए में खरीद सकते हैं। 2. एम्पियर रियो एलीट इलेक्ट्रिक स्कूटर। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग 43,000 रुपए से शुरू होता है। एम्पियर रियो एलीट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कई फीचर्स मिलते हैं, जिसमें एक LED डिजिटल डैशबोर्ड, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, डुअल कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर और एक USB चार्जिंग पोर्ट आदि शामिल हैं। 3. यूएज इलेक्ट्रिक स्कूटर। यूएज इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोकल में चलाने के लिए आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर की है। यह 50,000 रुपए से कम की कीमत पर आने वाली स्कूटर है। यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। 4. कोमकी X1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग 45,000 रुपए की कीमत की रेंज में आता है, जिसकी प्रभावशाली रेंज 85 किलोमीटर तक है। यह एक फुल बॉडी क्रैश गार्ड के साथ स्टॉक में आता है जो 60 वॉट के मोटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 5. बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वैपेबल बैटरी फीचर है। इसकी बैटरी आप निकाल कर कहीं भी चार्ज में लगा सकते हैं। इसके अलावा बाइक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति का दावा करती है। आप जहां रहते हैं उसके आधार पर इसकी कीमत आपको 50,000 रुपए से थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन यह उस कीमत के हिसाब से सही है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।